हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू एम्प्टी किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ब्रेड चिकन, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाकर खाएंगे तो बार बार इसी की ही डिमांड करेंगे। अगर आप ये बच्चों को बनाकर देंगे तो झटपट में खा जाएंगे, और इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी रहते हैं, इसलिए आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाकर दें। यहाँ पर मैं पैन ली हूँ, और पैन में मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून उतना बटर ऐड करती हूँ। बटर ऐड करने के बाद फौरन ही हमें यहाँ पे तेल का इस्तेमाल करना है, मतलब थोड़ा सा तेल डाल देना है। और अच्छे से यहाँ पे सब चीज़ें भी पिघल चुकी हैं, मतलब बटर पिघल चुका है। इसी में मैं यहाँ पे 200 ग्राम उतना बोनलेस वाला चिकन ऐड कर देती हूँ। देखिए, अच्छे से मैंने यहाँ पे क्लीन भी कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इस चिकन को हमें यहाँ पे लगभग 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। और देखिए, यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक पका लिया है। इसी में मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ऐड करूँगी, जैसे कि गाजर। गाजर को मैंने यहाँ पे अच्छे से पील कर लिया है और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अच्छे से एक बार यहाँ पे मैं मिला भी लेती हूँ। और गाजर को मैं यहाँ पे 2 मिनट तक पका ली हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे हाफ उतना कैप्सिकम ऐड कर देती हूँ, जिसे भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि 1/4 टेबलस्पून उतना लहसुन का पेस्ट, 1/4 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है, और सब चीज़ें अच्छे से गल जाएं और चिकन भी पूरी तरीके से पक जाना चाहिए। तब तक हमें यहाँ पे इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लेना है। चिकन भी ये जल्द से जल्द पक जाता है। यहाँ पर मैं ऐड करने जा रही हूँ 2 टेबलस्पून उतना रेड चिली सॉस। चिकन पकने के बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है, और अच्छे से एक बार इसे मिक्स कर लेती हूँ। और उसी के साथ मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून उतना मायोनीस ऐड कर रही हूँ, जिससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाता है। और अच्छे से इसे भी मिला लेना है हमें यहाँ पर। और उसी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून उतना टोमेटो केचप हमें यहाँ पर इसे में ही ऐड कर देना है। अच्छे से हमें यहाँ पर मिक्स कर लेना है, और 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और ये रेसिपी भी झटपट बन जाती है, आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाकर खाएं, सबको पसंद आ जाती है। और 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम को भी बंद कर देती हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैं एक चटनी बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मायोनीस और टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून उतना मायोनीस और 2 से 3 टेबलस्पून उतना टोमेटो केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और देखिए, अच्छे से मिक्स भी हो चुका है। मैं यहाँ पे 2 उतने बड़े से ब्रेड ली हूँ, जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है, आप भी ख़रीद लें। और हमें यहाँ पे इसी तरीके से बीच में कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमें यहाँ पे जो चटनी रेडी की हुई है ना, वो अच्छे से स्प्रेड करके लगा देना है 2 साइड में भी। आप चाहे तो ब्रेड को रोस्ट कर ले सकते हैं तवे के ऊपर, मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं 2 साइड में भी अच्छे से चटनी को लगा ले रही हूँ। और जो चिकन की स्टफिंग है ना, उसे हमें यहाँ पे 1 साइड में रख देनी है। देखिए कितना झटपट है ना बनाना ब्रेड चिकन, आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए, इतनी चिकन स्टफिंग में 7 से 8 उतने ब्रेड चिकन बन सकते हैं, आप भी ज़रूर बनाकर खाएं। अगर आपको मेरी बनाई हुई ब्रेड चिकन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एमटी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सकें।